good morning, my dear students. How are you all? Are you all fine? Very good, students. So, I am Nikita Bulchandani, your spoken English trainer at Tanna English Medium School. So, students, spoken English में आज हम कौन सा topic करने वाले हैं? Let's see our today's topic. Students, आज का हमारा topic है self-confidence. Now, can anyone tell me what is self-confidence? Self-confidence होता क्या है? See, यहाँ पे एक picture है, the ladder to success. एक यहाँ पे man है, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है. The ladder to success. Success तक पहुँचने का सबसे main रास्ता क्या है? Self-confidence. Now, let's read something about self-confidence. So, let's see our second slide. How to build self-confident? Can anyone tell me how to build self-confidence? कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना चाहिए? लेट्स सी. सी फर्स्ट, फेक इट. फर्स्ट वन क्या है? फेक इट. डोंट लाई और मिसलीड, बट समटाइम्स यू हैव टू बाय टाइम. फेक इट मतलब झूठ बोलना जरूरी है? टाइम सिचुएशन से अकॉर्डिंग. ठीक है, इतना ही बोलूंगी. सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं. सी स्टूडेंट्स, फेक इट. फर्स्ट वन, डोंट लाई और मिसलीड. कभी भी झूठ मत बोलो या किसी को मिसलीड मत करो, बट कभी कभी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी हमें चलना चाहिए. ओके, नाउ सी, राइट साइज योर कॉन्फिडेंस. योर कॉन्फिडेंस शुड बी राइट साइज. एरोगेंट नहीं होना चाहिए, एरोगेंट नहीं बनना चाहिए. मीन्स इरिटेट या एरोगेंस या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. एरोगेंस मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. आपका कॉन्फिडेंट है, आप कॉन्फिडेंट रहिए, बट किसी भी चीज़ के लिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं. मैं कर सकता हूँ, दिस इज माई कॉन्फिडेंस, पर ये तो मैं ही कर सकता हूँ, ये नहीं होना चाहिए. इस ओवर कॉन्फिडेंस है. ओके, नाउ सी, ग्रीटिंग्स. गुड हैंडशेक एंड आई कॉन्टैक्ट हेल्प्स. जब आप किसी से मिलते हो, किसी से जब बात करते हो, जब आप उनको ग्रीटिंग्स देते हो, सो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांटेक्ट होना चाहिए. आप जब भी किसी से बात करते हो तो ऐसे नहीं, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, तो मतलब सामने वाले को लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो. क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तभी हम आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं. सो व्हेन यू हैव टू ग्रीटिंग समवन, मींस जब आप किसी से मिलते हो, आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए. सेल्फ कॉन्फिडेंस में आई कांटेक्ट होना चाहिए. बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, पोजिशन एंड पोज आर इम्पॉर्टेंट. आपकी बॉडी लैंग्वेज, कैसे बात कर रहे हो आप, कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो, कभी कभी बोलने वक्त आप कितना पॉज ले रहे हो, तो ये सब इम्पॉर्टेंट होता है. आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, ये सब भी सेल्फ कॉन्फिडेंस में इम्पॉर्टेंट होता है. नाउ फाइट द फिजिट. कीप हैंड्स मूवमेंट एंड टचिंग एट मिनिमम. जो भी आप बोलो उसके हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए. ऐसे नहीं कि आपने कोई स्टोरी बोल दी, यस दिस वन, दिस 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 दिस, नहीं. आपका जो भी आप बोल रहे हो उस पर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हैंड मूवमेंट होनी चाहिए. पेस. नर्वस पीपल हरी स्लो डाउन. जो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे वो बहुत ही जल्दी स्लो डाउन हो जाएंगे. सो आपको कॉन्फिडेंस लेने के लिए पहले तो नर्वस नहीं होना चाहिए. जब भी बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो. अवॉइड करो बहुत कम, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो, बाकी जितना काम का नहीं है उसे अवॉइड करिए, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अब नेक्स्ट थी क्या है? व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? द फाउंडेशन ऑफ ऑल ग्रेट सक्सेस एंड अचीवमेंट. कोई भी सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस. नाउ लेट्स मूव फर्दर. थ्री टाइप्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस: लो कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमम कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. नाउ लेट्स सी अबाउट लो कॉन्फिडेंस. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द लो कॉन्फिडेंस? व्हाट इज दिस लो कॉन्फिडेंस? आई कांट डू इट, आई एम नॉट वर्दी, आई मस्ट बी परफेक्ट, आई मस्ट नॉट मेक अ मिस्टेक, आई एम नॉट गुड इनफ, नोबडी लव्स मी. ये सारे पॉइंट्स क्या है? ये है लो कॉन्फिडेंस. जब भी हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें आती है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे हमेशा कोई ना कोई कुछ बोलता रहता है, दिस इज़ अवर लो कॉन्फिडेंस.
सो हमें हमारे माइंड से नेगेटिव थिंग्स है उसे बाहर निकालना है. आई कैन डू इट. क्यों मैं नहीं कर सकता? यू हैव टू थिंक अबाउट इट. मेरी मिस्टेक है. अगर आपकी मिस्टेक है ओके, करेक्ट इट. वो मिस्टेक लेके बैठ नहीं जाना है मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझसे मिस्टेक हो गई. नो, ओके, इट्स ओके, आपसे मिस्टेक हुई, करेक्ट इट एंड आगे बढ़िए. सो लो कॉन्फिडेंस मीन्स कभी भी आपके माइंड में जो नेगेटिव थिंग्स आती हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे मिस्टेक्स ही होती है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई लाइक नहीं करता, सो ऑल दीज आर लो कॉन्फिडेंस. नाउ लेट्स सी अबाउट ऑप्टिमम कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ्स. कोई भी एस्पेक्ट हो हमारे लाइफ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है. कॉन्फिडेंस मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या है, मतलब जब भी हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो हम कभी भी उसके लिए हमें हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है, सक्सेस हम नहीं पा पाते हैं. क्योंकि हमने पहले ही देखा था द लेडर टू सक्सेस क्या है, कॉन्फिडेंस. तो जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, हमारे इनर बॉडी में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे. सो हियर इट्स लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी सक्सेसफुल. अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे. सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन अदर्स. अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंट हो, आप फुल्ली कॉन्फिडेंस है आपको खुद पे, तो आप दूसरों को भी कॉन्फिडेंट बना सकते हैं. आपको देख के दूसरे भी इंस्पायर होंगे कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं. एंड लास्ट वन विच इज द लास्ट टॉपिक, विच इज द लास्ट पार्ट. नाउ थर्ड वन इज ओवर कॉन्फिडेंस. नाउ लेट्स सी अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस. बहुत नाउ ओवर कॉन्फिडेंस. सो व्हाट इज ओवर कॉन्फिडेंस? मैं कर सकता हूँ, दैट्स माय कॉन्फिडेंस. बट मैं ही कर सकता हूँ, दैट्स माय ओवर कॉन्फिडेंस. तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स. वाई? क्योंकि जब भी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सबसे पहले हमारे में ईगोस्टिक हो जाते हैं हम, एंड दैट स्टबन, हमारा बिहेवियर चेंज होने लगता है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट बट नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट. जनरली दीज पीपल हैव द कॉल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. मोस्टली इन लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसे लगता है कि मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं. सो दैट्स कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस. और जब भी हमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है, हमें क्या लगता है, हम इरिटेट हो जाते हैं. सी, इरिटेटिंग हो जाते हैं, हम ईगोस्टिक हो जाते हैं, हमें खुद पे ईगो आने लगता है, हम इरिटेटिंग हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आता है. सो और हम क्या करते हैं, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि धीरे धीरे हम उन्हें भी खो बैठते हैं और हम आगे कभी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर ईगो आ जाता है. ओके, सो स्टूडेंट्स व्हाट वी हैड लर्न टुडे, स्टूडेंट्स व्हाट वी हैड लर्न टुडे अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट्स योर होमवर्क? यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, नॉट टू बी लो कॉन्फिडेंट, नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, बट यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. ओके, सो बी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड वेन एवर यू टॉक टू समवन, योर आई कॉन्टेक्ट शुड बी कंपल्सरी एंड आपके पॉइस्चर, आपका प्रेजेंटेशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.